आप इस देश की सबसे बेहतरीन नौकरी करने से इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमांदा मुसलमानों को रोकना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि हम आपके बराबर की कुर्सी पर बैठकर आपसे बराबरी की बात करें, इसलिए इस देश के यूनिवर्सिटीज पर ताला लगाने की तैयारी है। मैं बार बार कहता हूं कि इस साजिश को समझने की जरूरत है। इस देश में सरकारी संस्थान, सरकारी बैंक, सरकारी यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं नीलाम किए जा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा आर्थिक घाटा होने वाला है, नहीं साहब, इसलिए नीलाम किए जा रहे हैं कि इस देश के दलितों, पिछड़ों, बहुजनों, मुसलमानों को उसमें फंसने से रोकना है। आपको सस्ता मजदूर चाहिए, आपको सस्ता ड्राइवर चाहिए, आपको सस्ता मेहतर चाहिए, आपको सस्ता हजामत बनाने वाला चाहिए, आपको सस्ता जूठा बर्तन धोने वाला चाहिए, इसलिए आप बेचना चाहते हैं हर एक चीज को, इसलिए आप हमको पढ़ने से रोकना चाहते हैं, इसलिए आप हमको नौकरी करने से रोकना चाहते हैं, और इसलिए आप चाहते हैं कि हमको इस हॉल की बजाय इस हॉल के बाहर खड़ा कर दिया जाए। एक ऐसे दौर में हम यहाँ बैठे हुए हैं जब हिंदू प्रचंड खतरे में है। एक हिंदू साथी को बंबई से उठाकर अहमदाबाद में बंद कर दिया गया, एक हिंदू साथी को रांची से उठाकर जेल में डाल दिया गया, और लखीमपुर खीरी में तमाम हिंदू जो हैं वो हिंदुओं को रौंद कर विकास के नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। तो एक जो माहौल है, इस माहौल में हम लोग बैठकर जो बात करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं? क्या हम हिचकते हुए अपनी बात करते हैं? हम शर्मिंदा हैं अपनी वल्दियत को लेकर? हम शर्मिंदा हैं अपने समाज को लेकर? क्या हम शर्मिंदा है अपने पुरखों को लेकर, अपनी सियासत को लेकर? तो शर्मिंदा कौमें बदलाव की बात नहीं कर सकती है। तो पहले हमको अपनी कुंठाओं से उबरना होगा। हम एक ऐसी सियासत के दौर में बात कर रहे हैं जब इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बलात्कारियों को भी गले लगा रही है, हत्यारों को भी गले लगा रही है, छेड़खानी करने वाले लोगों को अपने मंच पर बैठा रही है, और हमको शर्मिंदगी होती है लालू यादव का बचाव करने में, हमको दिक्कत होती है मायावती के साथ खड़े होने में, हमको दिक्कत होती है अपने उन साथियों के साथ खड़े होने में जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर किसी समय में बदलाव का सपना देखा था। तो क्या हम डर कर अपनी कोई बात कर सकते हैं? अभी दो दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि देश की तीसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी, बल्कि दूसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी जेएनयू के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया का फंड 15% घटा दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंड 20% घटा दिया गया। रतनलाल बैठे, रतनलाल बेहतर बता पाएंगे, लेकिन बीएचयू का फंड 5 साल में दुगना कर दिया जाता है। मुस्लिम लगा है, इस्लामिया लगा है, तो आप पहले उनको कर्ब करो, और हिंदू केवल लगा हुआ है तो उनको आगे ले जाओ। साहब, आपको लगता होगा कि यह केवल फंड का मामला है, यह फंड का मामला नहीं है। यह जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं ना, यह सीधे सीधे वहां से जुड़ता है, क्योंकि देश के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने से आप इस देश के बहुजनों को रोकना चाहते, आप इस देश की सबसे बेहतरीन नौकरी करने से इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, पसमांदा मुसलमानों को रोकना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि हम आपके बराबर की कुर्सी पर बैठकर आपसे बराबरी की बात करें, इसलिए इस देश के यूनिवर्सिटीज पर ताला लगाने की तैयारी है। मैं बार बार कहता हूं कि इस साजिश को समझने की जरूरत है। इस देश में सरकारी संस्थान, सरकारी बैंक, सरकारी यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं नीलाम किए जा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा आर्थिक घाटा होने वाला है, नहीं साहब, इसलिए नीलाम किए जा रहे हैं कि इस देश के दलितों, पिछड़ों, बहुजनों, मुसलमानों को उसमें घुसने से रोकना है।
आपको सस्ता मजदूर चाहिए, आपको सस्ता ड्राइवर चाहिए, आपको सस्ता मेहतर चाहिए, आपको सस्ता हजामत बनाने वाला चाहिए, आपको सस्ता झूठा बर्तन धोने वाला चाहिए। इसलिए आप बेचना चाहते हैं हर एक चीज को, इसलिए आप हमको पढ़ने से रोकना चाहते हैं, इसलिए आप हमको नौकरी करने से रोकना चाहते हैं, और इसलिए आप चाहते हैं कि हमको इस हॉल की बजाय इस हॉल के बाहर खड़ा कर दिया जाए। हम खड़े होने को तैयार नहीं है, हम खड़े होने को तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि हम आपकी साजिश को समझते हैं, इसलिए हम तैयार नहीं है कि हम जानते हैं कि आप हमको कहां ले जाना चाहते हैं। आप विकास की बात करते हैं, इससे बड़ा फ्रॉड कुछ हो नहीं सकता है कि जिस दौर में इस देश का नौजवान सड़कों पर है, जिस दौर में इस देश का मजदूर सड़कों पर है, जिस दौर में इस देश का किसान एक साल तक आंदोलन चलाता है, और आप कहते हैं विकास हो रहा है, तो किसका विकास हो रहा है? लेकिन सवाल विकास पे नहीं है, सवाल यह है कि जो लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग बाहर खड़े हैं नौकरियों के लिए, जो लोग फॉर्म भरकर इंतजार कर रहे हैं इम्तिहानों का, वो कौन लोग हैं? इस देश में एक सर्वे होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जातीय जनगणना, और जातीय जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि यह तय होना चाहिए कि हमारी हिस्सेदारी 50% है कि 75% है, और तब हम मांगेंगे 75% रिजर्वेशन, तब हम मांगेंगे 90% रिजर्वेशन। यह नहीं हो सकता कि इस देश में 10% लोग तमाम पदों पर काबिज हों और आप कहें कि हम आपको 50% पर समेट देना चाहते हैं। बिहार में तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में PhD के एडमिशन में जो धांधली हुई है, जिस तरीके का घपला हुआ है, जिस तरीके से मेरिट लिस्ट के नाम पर पिछड़ों को रोका गया है दाखिले से, इस कॉन्स्पिरेसी को समझा जाना चाहिए। यह षड्यंत्र मेरे खिलाफ ही नहीं है, यह षड्यंत्र आपके खिलाफ नहीं है, यह षड्यंत्र उन तमाम आवाजों के खिलाफ है जो आने वाले दिनों में हमारे हक की आवाज उठाने वाली है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं इसलिए ये बात बार बार कहना चाहता हूं और पुरजोरी के साथ कहना चाहता हूं कि हम सब इस षड्यंत्र को समझें। जातीय जनगणना की जरूरत, इससे पहले एक सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, लगभग 400 करोड़ रुपए पिछली सरकार ने खर्च कर दिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास वो रिपोर्ट पड़ी। हम तो कहते हैं उसी को पब्लिक कर दीजिए, उसी को सामने रख दीजिए। एक रिपोर्ट पड़ी हुई है 7 लाख लोगों पर, वो रिपोर्ट हमारे सामने कर दीजिए और तय हो जाएगा कि इस देश में किसकी आबादी कितनी है। यह तय होना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि इस देश में अंसल बंधुओं की जमानत होती है, उनको छोड़ा जाता है उनका उनकी उम्र का लिहाज करके। लेकिन लालू प्रसाद यादव को आप इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपके इरादे साफ हैं। हम जानते हैं कि आप कहां से बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि रांची में छापा क्यों मारा जा रहा है, हम जानते हैं कि झारखंड से आदिवासियों को क्यों उठाया जा रहा है, और हम सब इन सारी कॉन्स्पिरेसी को समझते हैं और इनको खारिज करते हैं। हम मांगेंगे रिजर्वेशन, हम मांगेंगे जातीय जनगणना, और हम मांगेंगे बैलेट पेपर से वोटिंग, इसलिए मांगेंगे कि हमको हमारी वाजिब हिस्सेदारी चाहिए। जय भीम, जय सम्राट।